अगर आप भी एक दिन के लिए खुश रहना चाहते हैं तो पिए, अगर आप एक साल तक खुश रहना चाहते हैं तो शादी कर लीजिए, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम खुश रहना चाहते हो तो बाइक उठाओ और घूमने के लिए निकल जाओ। वेलकम बैक बाइक लवर्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं सुपर मीटर 650 से रिलेटेड कुछ प्रोज एंड कॉन्स। तो अगर आपको भी बाइक से घूमने का शौक है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये खास आपके लिए जरूरी है। फर्स्ट प्रोज की बात करें तो इसका डिजाइन, अनडाउटली सुपर मीटर 650 मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक होने वाली है। इसका डिजाइन मीटर 350 से काफी हद तक सिमिलर है, जो कि इसे एक अमेजिंग लुक देती है। फ्रंट फेंडर का ब्यूटीफुल कर्व, टीयर ड्रॉप फ्यूल टैंक और कर्वी रियर फेंडर, ये सभी इसके रेट्रो क्रूजर लुक को और भी एनहेंस कर देते हैं। ब्लैक्ड आउट पार्ट इसके स्पोर्टी लुक को और भी अच्छा बेहतर बना देता है। डिजाइन बिग बाइक वाली फीलिंग आती है, जैसे कि हार्ले डेविडसन और इंडियन बाइक, अगर आप इसे बैठते हो तो काफ़ी बड़ी बाइक है आपको फील देने वाली है। डुअल टोन के साथ ये बाइक लुक के मामले में काफ़ी बेहतर होने वाली है। सेकेंड प्रोज की बात करें तो इसका फीचर, इंटरसेप्टर 650 के सिबलिंग होने की वजह से सुपर मीटर 650 एक कदम इससे आगे भी है, क्योंकि इसमें आपको LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED टर्न इंडिकेटर, प्लस इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसमें आपको मिल जाता है। ECU राइडिंग लाइट भी आपको मिलने वाली है, जो कि स्विचेबल है। थर्ड प्रोज की बात करें तो इसका कम्फर्टेबल राइडिंग पोस्चर, सुपर मीटर 650 कंफर्टेबल राइडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल है, क्योंकि इसके वाइड हैंडल बार, लो स्लंग सीट और वो भी एक्स्ट्रा कुशन और वो आगे के फुट पैक्स आपको एक ग्रेट स्ट्रेट लाइन कंफर्ट देते हैं। पिलियन सीट के लिए आपको डुप्लेक्स फुट पैक्स और बैकरेस्ट भी दिया हुआ है। साथ में विंड सीट जैसे एसेसरीज आपको ऑप्शनल एसेसरीज में दिए जाते हैं, जो कि आपको टूरिंग पर्पज़ के लिए काम आने आता है। फोर्थ प्रोज की बात करें तो इसका रिफाइंड इंजन, सेम एज कॉन्टिनेंटल 650 और इंटरसेप्टर 650 के जैसे ही इसमें भी 648 cc का इंजन हुआ है, जो कि 47 bhp का मैक्सिमम पावर और 52.5 nm का मैक्सिमम टॉर्क आपको निकाल कर देता है। सुपर मीटर 650 इस मामले में भी थोड़ा सा अपने इन सिबलिंग से आगे है, क्योंकि इसमें ECU लगा हुआ है, जो कि इसके गियर रेशियो को और उसके डायमेंशन को बेहतर कर देता है। साथ ही इसके वेरियस फंक्शन लाइक एयर मैनेजमेंट, फ्यूल सप्लाई, इग्निशन एग्जॉस्ट, गैस मैनेजमेंट को भी ये बेहतर कर देता है। सुपर मीटर 650 के कॉन्स को अगर देखें तो इसका पहला कॉन्स इसका हैवी बॉडी वेट आता है। अगर आपको लगता है कि करंट 650 ट्विन काफ़ी हैवी है, तो फिर आपको सुपर मीटर 650 को चला कर देखना चाहिए, क्योंकि इसका ड्राई वेट ही 241 किलो है, जबकि 650 ट्विन 202 किलो के ड्राई वेट के साथ आते हैं। फिर भी इसमें टोटल 39 kg का डिफरेंस है। सेकंड कॉन्स इसका है फ्यूल इकोनॉमी। एक हल्की बाइक न केवल फास्ट होती है, बल्कि फ्यूल इकोनॉमी के लिए भी अच्छी होती है। 241 किलो के वेट के साथ आपको इस बाइक से फ्यूल इकोनॉमी का एक्सपेक्टेशन तो नहीं के बराबर ही करना चाहिए। सुपर मीटर 650 आपको मैक्सिमम 25 किलोमीटर पर लीटर की इकोनॉमी निकाल कर दे सकती है। थर्ड कॉन्स की बात करें तो इसका हाई प्राइस टैग, 650 ट्विन के कंपेरिजन में सुपर मीटर 650 का प्राइस हाई होने वाला है, अप्रॉक्स 3.5 लाख के आसपास, कुछ स्टेट में तो ये 4 लाख के आसपास भी है, जो इसे अपने ही भाइयों से एक्सपेंसिव कर देता है। लेकिन अगर 650 cc के अदर ब्रांड के बाइक्स में कंपेयर करें तो ये आपको उन बाइक के कंपेरिजन में सस्ती मिलने वाली है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर हमें अपना प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।